हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15.8.1 के नए अपडेट में हम आईफोन 7 और 6s के ऊपर बैटरी लाइफ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसे कैसे बैटरी बैकअप को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स शेयर करने वाला हूँ, जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये सेटिंग्स कुछ ऐसी हैं, आपको ऑफ भी करनी है, कुछ सेटिंग्स आपको ऑन भी करनी है अपने डिवाइस पर, ताकि आपको बढ़िया बैटरी बैकअप जो है वो इन ओल्ड डिवाइसेस के ऊपर भी रिसीव हो सके। तो ये जो अपडेट्स हैं एप्पल इसीलिए अपने पुराने डिवाइसेस को प्रोवाइड कर रहा है, ताकि वो जो डिवाइसेस हैं आज के टाइम पे भी बढ़िया काम करते रहें बिना किसी बग्स के। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है आईफोन्स में बैटरी को सेव करने के लिए यहाँ पर ब्राइटनेस का कैसे यूज़ करते हो आप अपने डे टू डे रूटीन में। अगर आप आउटडोर्स में जाते हो तो आपको अपने डिवाइस की ब्राइटनेस को इतनी ज़्यादा हाई नहीं रखना चाहिए, जिसके साथ आपके डिवाइस में हीटिंग जो है वो प्रोवाइड होती है। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप काफ़ी ज़्यादा अपने डिवाइस को यूज़ करते हो तो उसको आपको रोकना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में अपने डिवाइस की ब्राइटनेस को हाई फुल करके रखते हो, इसके साथ हीटिंग इशू प्रोड्यूस होते हैं अपने डिवाइस के ऊपर, इसके साथ बैटरी बैकअप जो है वो आपका इतना बढ़िया नहीं रहता है और बहुत ही जल्दी जो बैटरी जो है वो ड्रेन होने लगती है। इसीलिए आपको ऑटो ब्राइटनेस के फीचर को यूज़ करना चाहिए अपने डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले एंड टेक्स्ट के साइज में देखने को मिल जाएगा ऑटो ब्राइटनेस का फीचर, इसलिए ऑटो ब्राइटनेस के फीचर को जरूर ऑन करें। सेकंड नंबर के ऊपर आपको जनरल पे जाना है और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश के ऑप्शन को ऑफ कर देना है। अगर आपने इस ऑप्शन को ऑन कर रखा है तो आपकी जो बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशंस रन होती हैं वो यहाँ से रिफ्रेश होती रहती हैं और आपका डिवाइस जो है वो काफ़ी बैटरी इस प्रोसेस में लूज़ कर देता है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइवेसी पे जाना है और ट्रैकिंग के ऑप्शन को यहाँ से ऑफ़ कर देना है, ताकि कोई भी एप्लीकेशन जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपका डिवाइस उसे ट्रैक ना कर सके। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन सर्विसेज पे आना है और यहाँ से आपको उन एप्लीकेशंस की लोकेशन को नेवर के ऊपर सेट करना है जो आप डे टू डे रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की। ये दो एप्लीकेशंस मैं डे टू डे रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए आपको इन लोकेशंस को नेवर के ऊपर सेट करना है, ताकि जब आप इसे यूज़ करो तो आपके डिवाइस में लोकेशन कभी भी ऑन ना हो। तो जैसे कि करंटली यहाँ पर लोकेशन का जो ऑप्शन है वो ऑन हो रखा है जैसे ही मैंने सेटिंग्स को ओपन करा है। अब जैसे यहाँ पर सेटिंग्स को मैं यहाँ से क्लियर कर दूँगा तो वो लोकेशन जो है वो यहाँ से ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली, इसलिए यहाँ से आपको लोकेशंस को ऑफ करना है पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए। उसके बाद यहाँ पर बात आती है अपने डिवाइस का ऑटो लॉक का फीचर, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड टच साइज में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑटो लॉक को मिनिमम 1 मिनट या 2 मिनट्स या 3 मिनट्स के ऊपर सेट करके रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपने डिवाइस को लॉक करना भूल जाते हैं और अपना डिवाइस जो है वो नेवर के ऊपर सेट होने के कारण लॉक नहीं होता है और डिस्प्ले जब चलती रहेगी तो आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग के ऑप्शन को ऑन करके रखना है हर टाइम, जिसके साथ आपकी जो आईफोन की बैटरी है वो ऑप्टिमाइज तरीके से चार्ज होती रहेगी और आपको बढ़िया बैटरी बैकअप जो है वो प्रोवाइड करती रहेगी। अगला जो फीचर्स हैं वो है अपने विजेट से रिलेटेड। अगर आप यहाँ पर मूविंग विजेट्स को यूज़ करते हो अपने डिवाइस पे तो उन विजेट्स को आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको अपने डिवाइस के ऊपर अगर विजेट्स को यूज़ करना है तो आप जो विजेट्स ऐसे होते हैं जो स्टिल विजेट्स होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए, जैसे कि आपको क्लॉक का जो विजेट है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक मूविंग विजेट है, इसलिए मूविंग विजेट्स जो होते हैं वो आपकी बैटरी को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इसलिए उन विजेट्स को आपको प्रेफर नहीं करना चाहिए जो कि लाइव होते हैं, लाइवली काम करते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है डार्क मोड के बारे में। आपको अपने डिवाइस में हर टाइम डार्क मोड को यूज़ करना चाहिए। डार्क मोड जब आप हर टाइम यूज़ करोगे तो आपके स्क्रीन के पिक्सल्स डार्क हो जाते हैं और आपका डिवाइस आपको और भी बढ़िया बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता रहता है। लास्ट नंबर के ऊपर हम बात करेंगे लो पावर मोड के बारे में। लो पावर मोड जो है वो आपको यूज़ तब करना चाहिए जब आपका लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन बन चुकी है कि आपके डिवाइस की जो बैटरी है वो अब गिरने ही वाली है, 10 या 5 मिनट रह चुकी है, इसीलिए आपको 10-5% के ऊपर ही अपने डिवाइस के ऊपर लो पावर मोड को प्रेफर करना चाहिए। इसके साथ आपको काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप रिसीव हो सकता है। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिनके पास आईफोन 6s और आईफोन 7 आज के टाइम पर भी यूज़ कर रहे हैं वो।